दो दोस्त की कहानी। एक शहर में दो दोस्त रहते थे। एक दिन वो दोनों दोस्त समुद्र के किनारे शंख इकट्ठा करने के लिए गए ताकि उन संख्या को बेचकर वो अपने लिए कुछ पूंजी जमा कर पाए। दोनों दोस्त शंख इकट्ठा कर ही रहे थे तभी पहले वाले दोस्त को एक बड़ा शंख दिख गया और ये देखकर दूसरे वाले दोस्त के मन में आया कि यार इसे तो बड़ा शंख मिल गया, अब ये मुझसे ज्यादा पैसा कमा लेगा। तो फिर उसने सोचा कि अब मैं भी इससे बड़ा शंख ही ढूंढूंगा ताकि मैं भी ज्यादा पैसा कमा पाऊँ। तो अब वह लग गया बड़े शंख की तलाश में। उसने खूब ढूंढा, खूब मेहनत की, लेकिन फिर भी उसे बड़ा शंख हासिल नहीं हुआ और उस बड़े शंख के चक्कर में उसे जितने भी छोटे छोटे शंख मिलते उन सारे शंखों को उठाकर फेंक देता, क्योंकि उसके दिमाग में वो बड़ा शंख था कि मुझे किसी भी हालत में वो बड़ा शंख चाहिए ताकि मैं थोड़े ज्यादा पैसे कमा पाऊँ। उस बड़े शंख की तलाश में दोपहर से शाम हो गई, शाम से रात हो गई, तो ना तो उसे बड़ा शंख मिला और बल्कि जो छोटे छोटे शंख उसे मिले थे उन संख्या को भी उसने फेंक दिए, तो उसके हाथ में कुछ नहीं आया। और जो पहला वाला दोस्त था उसके पास एक बड़ा शंख था और कुछ छोटे शंख थे। तो रात हो गई और वो दोनों दोस्त घर जाने लगे। तो घर जाते वक्त पहला वाला जो दोस्त था उसने अपने शंख बेच दिए, तो उसके पास जो बड़ा शंख था उसके उसे मिले 1000 रुपए और जो छोटे छोटे शंख जो उसके पास थे उसके उसे मिले 3000 रुपए। और ये जानकर उस दूसरे वाले दोस्त को बहुत दुख हुआ कि काश वह उन छोटे छोटे शंख को फेंकता नहीं तो अभी मेरे पास इससे भी ज्यादा कमाई होती। उसके दोस्तों ने उसे बताया कि जो छोटे छोटे शंख तूने फेंक दिए थे ना, उन्हीं को मैंने अपने पास कलेक्ट कर लिया और उन्हीं की वजह से मुझे मिले 3000 रुपए। और ये जानकर वो दूसरा वाला दोस्त और भी ज्यादा निराश हो जाता है। इस कहानी को बताने का मेरा मकसद बिल्कुल साफ है कि हम कुछ बड़ी बड़ी चीजें करने के चक्कर में हम कई सारे छोटे छोटे मौके हाथ से गवा देते हैं। हम हमारी डे टू डे लाइफ में भी कई सारे छोटी छोटी चीजों को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये बात आपको जान लेनी चाहिए कि ये छोटी छोटी चीजें आगे जाकर बहुत विशाल रूप धारण कर लेती है। हर छोटी चीज पर ध्यान लगाओ, उसे इग्नोर मत करो, आगे जाकर आपको इसकी अहमियत पता चलेगी। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप छोटा सोचो और छोटा ही करो। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप सोचो बड़ा, लेकिन उसके लिए आप हर वो छोटा काम करो जिससे कि आपका लक्ष्य आपको हासिल हो। दोनों दोस्तों का लक्ष्य एक ही था, वो था पैसा। लेकिन पहले वाले दोस्त ने ही बड़े पर भी फोकस किया और छोटे पर भी फोकस किया, और दूसरा दोस्त सिर्फ बड़े पर ही फोकस किया, छोटी छोटी चीजों को इग्नोर कर दिया और जहां उसे ज्यादा पैसे मिलने चाहिए थे वह उसे 1 रुपया भी नहीं मिला। अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि छोटे छोटे बदलाव ही बड़े कामयाबी का हिस्सा होता है। ऐसे ही और शॉर्ट स्टोरी के लिए आप मोटिवेशन की आग पर आकर देख सकते हैं।